वेलकम टू सारिका किचन रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ हॉट डॉग की रेसिपी। ये प्योर वेज रेसिपी है और ये बन से बनता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए सॉस तैयार कर लेंगे। लहसुन और अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसमें प्याज डाल दिए। प्याज को भी हल्का फ्राई कर लेना है। अब इसमें दो टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। नमक, तीन लाल मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो इसमें लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं। और पानी एक बाउल और चीनी एक चम्मच, विनेगर एक चम्मच। और विनेगर को हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर अच्छा आएगा। अब इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे ढककर। अब ये तैयार हो गया है, इसे पीस लेंगे और सॉस इसका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा तेल ले लिए हैं, दो चम्मच, और लहसुन थोड़ा सा, हरी मिर्च तीन चार, और प्याज दो काट लिए हैं। और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसमें हम सोया चंक्स ऐड करेंगे। सोया चंक्स को हम फुला लिए थे और धोकर और सारा पानी निचोड़ लिए थे और इसे मिक्सी में दरदरा पीस लिए हैं। इसे ऐड कर दिए और थोड़ा सा इसे भून लेंगे। थोड़ा सा बीन्स, एक गाजर कद्दूकस किया हुआ, एक शिमला मिर्च, छोटा सा एक बीटरूट। बीटरूट डालने से इसमें कलर अच्छा आएगा। अब हम सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अब हम इसमें दो चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बेसन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बेसन का कच्चापन खत्म हो जाना चाहिए। बेसन फ्राई हो गया है। अब हम इसे पनीर ऐड कर दिए, ग्रेटेड एक बॉल, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आधा चम्मच बटर ऐड कर दिए और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो गया है। अब इसमें दो चम्मच जो सॉस बना कर रखे थे उसे ऐड कर दिए। अब सॉस को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिए। अब ये बनकर तैयार है। अब हम फ्राई पैन को गर्म कर लिए हैं और इसमें बटर ऐड कर दिए। बटर को पूरा पैन में फैला लेना है।
और वो ये बैटर का ये बना लिए इस तरह से लंबा लंबा, और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है बटर में। आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, घी में भी फ्राई कर सकते हैं। इसे पलट पलट कर फ्राई कर लेना है। ये बनकर तैयार है। अब इसमें फिर हम थोड़ा सा बटर ऐड कर दें और इसमें बन को सेक लेना है। बन को सेक लिए, अब ये हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लिए सारे। अब हम इसके अंदर मेयोनीज लगा दिए और सॉस जो बनाकर रखे थे सॉस, वही सॉस लगा दिए। इसे इस तरह से डाल देना है। इसी तरह से सारे हॉट डॉग बना लेंगे। अब हम इसमें चिल्ली सॉस और टोमेटो सॉस से गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और ऊपर से चीज़ क्रश कर लेंगे। और ये बनकर तैयार है। इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, और आपको जब मन हो खाने का इसे गर्म करके सर्व करें, और ये बहुत खाने में टेस्टी होता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।